हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। बस यहाँ पे देखिए, मैं भी नहा ली थी और आज जाके थोड़ी राहत मिली क्योंकि आज बाल धुली हूँ ना, तो आज सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसा कि वीडियो आज की है, तो आज तारीख है 2 सितंबर और आज है पीतल सोमनी। हमारे यहाँ पीतल सोमनी कहते हैं, आप लोग भी बताना कि आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं। तो आज के दिन देखिए, जो पितर होते हैं ना, उनके लिए खाना बनाया जाता है, जो मतलब जो वो करते हैं, क्या कहते हैं उसे, अरे पिंडा पिंडा, हमारे यहाँ पिंडा पारना कहते हैं, जो वो करते हैं या तो फिर जो मतलब सब करते हैं, तो उन आज पूरा खाना बनता है। तो बस मैं अभी देखिए नहा के आ गई थी किचन में, और नहा के आके ना पहले मैं सारी तैयारी कर ली थी क्योंकि मुझे पता था कि भाई 8 बजे लाइट कट जाएगी, और इसीलिए ना मैं सारी तैयारी कर ली थी। क्योंकि ना लाइट कट जाती है तो उसके बाद लाइट आती है 10 बजे, और जिस दिन काम रहता ना, अगर इंतज़ार करते रह जाओ तो लाइट नहीं आती, इसलिए मैं तैयारी पहले ही कर ली थी। करते हैं मतलब जो भी खाना पीना या उनका पिंडा पाड़ना, तो आज सब करेंगे। बस यहाँ पे देखिए, मैं भी लगी थी खाना बनाने में, और आज हमारे यहाँ ना जैसे कि जो हो सकता है अपने श्रद्धा अनुसार जो हो सकता है सभी बनाते हैं, ज्यादातर जैसे कढ़ी बड़ा ये सब बनता, तो यहाँ पे मैं भी सब तैयारी कर ली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, गुलगुला का फेंट के रख दी, उसमें चीनी और बस चीनी फेंट के रख दी हूँ गुलगुला का। और यहाँ पे देखिए, उड़दी की दाल पीस के रखी हूँ, और इसके अंदर ना जीरा, हींग, सूखी धनिया, थोड़ा सा सौंफ, अदरक, लहसुन, अरे सॉरी लहसुन नहीं, अदरक और वो अरे हींग और हरी मिर्ची ढेर सारी, इतना इसे पीस के रख दी हूँ। और नहा के आई थी ना, तो सबसे पहले मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि लाइट कट जाती है, आती है 10 बजे। और उसके बाद ये देखिए पकौड़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए भी बेसन घोल के रख ली हूँ, और ये पकौड़ी के लिए इस तरह से आलू काट ली हूँ, और बाकी कढ़ी का मसाला पीस ली हूँ। और उसके बाद बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी चावल, क्योंकि पूरा खाना बनता है, कच्चा पक्का सब खाना बनता है। और यहाँ पे आटा भी लगा के रख दी हूँ। तो बस चलिए, मैं भी रखती हूँ और अपनी चाय भी रखती हूँ। चाय पी एक तरफ चाय पीऊंगी और एक फटफट सारा काम भी करूंगी। तो आज नहा के आई ना, तो मैं कही चलो पहले सारा सही, मम्मी दाल धुल के रख दी थी, जब मैं झाड़ू पोछा करी तब मम्मी दाल धुल के रख दी थी। बस चलिए, मैं लग जाते पहले सारा सामान कर दूं नीचे। और आज सच में ना बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बोलो तो आज बहुत काम है। बस सोच रही कैसे होगा कैसे नहीं, कुछ तो हाथ की प्रॉब्लम भी है, कुछ कैसे करूँगी, चलिए धीरे धीरे सब करूँगी। तो बस यहाँ पे ना, और उठ तो मैं गई थी 5 ही बजे, 8 मतलब आज उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद सबसे पहले चाय रख दी थी, उसके बाद पूरे घर का झाड़ू पोछा, और आज सब कमरे में झाड़ू पोछा करी थी, और उसके बाद फिर मम्मी बर्तन घसी थी, फट से धो ली थी, और उसके बाद में बाथरूम वाथरूम साफ़ करके, क्योंकि ना बाथरूम में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और जैसा कि मैं जिस दिन बाल उल धोना होता ना, मैं उसी दिन बाथरूम वाथरूम साफ करती हूँ, और बीच में ये एक आध दो बार साफ कर देते हैं। तो बस आज मुझे वो भी साफ करना था, और उसके बाद ये सब करते करते मुझे 7:30 बज गया। तो फिर मैं सोची ना कि चलो जल्दी से मम्मी उड़दी की दाल वगैरह धुल के रख दी थी, कहीं सबसे पहले जो मसाला पीसने वाला काम है वो कर लेती हूँ। तो उड़दी की दाल भी पीस ली थी, और जो कढ़ी का मसाला होता है वो भी पीस ली थी। तो उसके बाद फिर बाकी उसके बाद सारी तैयारी, जैसे कि आटा लगाना, गुलगुला को आटा फेंट के रखना, बेसन, ये सब करके ये भी सब कर ली थी। तो उसके बाद बस यहाँ पे अब देखिए, मैं छौंक दे रही हूँ एक तरफ सब्जी, क्योंकि लाइट तो कट चुकी है, तो यहाँ पे मैं ना छौंक दे रही हूँ आलू टमाटर और मटर की सब्जी छौंक दे रही हूँ। एक तरफ ये भी पकते रहेगी और एक तरफ मैं और दूसरा काम कर लूँगी। तो तब तक यहाँ पे देखिए, मेरी चाय भी बन गई थी, बिना चाय पिए तो कुछ काम होता नहीं है, तो मैं कहीं पहले चाय भी पी लूँगी और साथ ही साथ खाना भी बनता रहेगा। और आलू टमाटर की सब्जी में देखिए, जैसा कि आलू लहसुन प्याज में कहीं भी यूज नहीं कर रही, आज भी नहीं यूज कर रही हूँ, तो बस इसे ऐसे ही बना दे रही हूँ, सादा में आलू टमाटर की सब्जी बना दे रही, लेकिन हाँ टेस्टी बनी थी। और उसके बाद एक तरफ देखिए रख दे रही हूँ दूसरी कढ़ाई लोहे की, और इसमें अब मैं तेल डाल के, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो कढ़ी की पकौड़ी होती है, हमारे यहाँ से बरी कहते हैं,
अरे सॉरी बरी कह रही हूँ, फुलौरी कहते हैं इसे। हाँ तो बस ये बना ले रही हूँ, और उसके बाद ना फिर वो जो उसी बेसन में जो आलू की पकौड़ी होती है ये बना ले रही। वैसे तो बनती है बैगन की भी पकौड़ी बनती है, सब भी बनता है, लेकिन बैगन था नहीं। और कल क्या हुआ कि मैं मार्केट से मंगा भेजी थी शिवांश को, तो ना वो अच्छा अच्छा बैगन नहीं था, तो इसलिए शिवांश नहीं ले आया था। और इनसे इनसे कही नहीं थी मैं सोची थी कि चलो मैं शिवांश से मंगवा लूँगी, लेकिन फिर मार्केट में मिला नहीं, तो बस चलो मैं आलू की ही बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू की पकौड़ी भी बन गई है, और अब इसके बाद मैं बनाऊंगी बड़ा, जो उड़द की दाल की बड़ा होती है, हमारे यहाँ से बड़ा कहते हैं, आप लोग भी क्या कहते हो बताना। तो ये पहले छोटे छोटे बना ले रही हूँ चढ़ाने के लिए, और कान्हा जी के लिए भी बना ले रही हूँ छोटे छोटे। और इसे ना हम लोग सादा नहीं बनाते, जैसा कि जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी से इसके चारों तरफ थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि सादा हमारे यहाँ नहीं बनाते। सादा सब कहते हैं कि वैसे समय में बनाते जब सुद्दक उद्दक में बनता है खाना, तो उस समय सादा खाना बनाते हैं, मतलब ऐसा बिना डिजाइन करें। और जैसे शादी ब्याह या किसी अच्छे फंक्शन में इसे बनाना होता है ना, जिसमें चारों तो बस लकड़ी से थोड़ा थोड़ा डिजाइन कर देते हैं, तो बस मैं भी उसी तरह से कर करके बड़ा बना दे रही थी। मुझे तो इस विषय में इतना नहीं पता था, लेकिन मम्मी लोग बताते हैं तो उन्हीं सबके मुंह से सुन लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए बड़ा भी बन गया था, ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बड़ा। और ये उड़द की दाल का बड़ा किसे किसे पसंद है जरूर बताना कमेंट में। और तब तक यहाँ पे मेरी जो आलू टमाटर की सब्जी थी वो भी बन गया था। तो उसके बाद सब्जी रख दे रही हूँ नीचे, और बड़ा भी बन गया। अब इसके बाद मैं निकालूंगी गुलगुला। तब तक गुलगुला क्या है ना कि अच्छे से फूल जाता है, जो उसमें चीनी फेंट के रखती हूँ, हमारे फेंट के खाते हैं, तो बस जो उसमें चीनी फेंट के रखी हूँ ना, तो वो भी काफ़ी अच्छे से हो गई थी। और एक तरफ अब मैं तैयारी कर ले रही कढ़ी छौंकने की, क्योंकि देखिए बच्चों को भी बहुत तेज़ लगी है भूख, और जब तक ये खाना चढ़ाते नहीं हैं, और जो मतलब जब तक मैं इनके इन्हें नहीं दे दूँगी खाना, तब तक किसी को भी नहीं दूँगी। तो बस मैं भी जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि इनको सबको भी देखिए लगी थी भूख। और आज ना क्या हुआ कि नाश्ता भी ये सब के चक्कर में मैं नाश्ता भी कुछ नहीं बनाई, बस बच्चे लोग एक दो बिस्किट खा के पानी पी लिए थे। मैं कही बस भैया लोग आधा एक घंटा और रुक जाओ, उसके बाद मेरा भी हो जाएगा। तो बस एक तरफ मैं कढ़ी छोंक दे रही हूँ, और एक तरफ मैं बना ले रही हूँ गुलगुला। तो देखिए यहाँ पे गुलगुला भी बन गया था, और गुलगुला ना आटा में से थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मुझे अंदाज नहीं मिला आटा का। और अभी मम्मी देखेंगी ना तो कहेंगी इतना सारा गुलगुला बना दी, और सच में मुझे भी लग रहा है ना आटा बहुत ज़्यादा फूल गया था, जो कि इसमें मैं कुछ भी नहीं डाली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आटा फूल गया था। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी देख के गई, और उसके बाद ना प्रिंसी मेरी कढ़ी चलाते रह रही, मतलब कढ़ी में कहती थी प्रिंसी जब तक तुम कढ़ी चलाती रहो तब तक मैं और काम कर लूँ। तो बस यहाँ पे देखिए उसके बाद ना फिर मैं जो खाना, अरे खाना कर रही हूँ, अब ये लाइट आ गई थी करीब 10 बजे करीब, आज जल्दी लाइट आ गई थी, 10:15 बजे करीब लाइट आ गई थी। तो मैं कही अब चलो बैठ जाती, क्योंकि कब से खड़े खड़े ना एकदम पैर दर्द करने लगा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कटोरी में तेल रखी थी, और प्रिंसी उसे लेके गई फेंक दी, और वही मैं सर पे हाथ रख रही हूँ, क्योंकि बताओ तुम एक कटोरी तेल पूरा फेंक दी, जो कि तेल साफ ही था ना, मैं जब कढ़ी छौंकने जा रही थी तो मैं उसे निकाल के रख दी थी नीचे। तो उसके बाद देखिए सारा खाना बन गया था। सारा क्या, पहले बस 5-6 पूड़ी बना के लेती आई थी, क्योंकि बच्चों को बहुत सच पूछो ना बहुत भूख लगी थी। तो मम्मी कहेंगी पहले जाओ चढ़ाया, वैसे तो चढ़ाना इन्हें चाहिए था लेकिन ये नहीं थे, तो मैं ही चढ़ा दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सारा खाना मैं लेके आ गई थी छत पे, और यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ, जो हमारे पूर्वज हैं पितर लोग हैं सबको मतलब चढ़ा के, सबसे मम्मी कहें थी सबसे अच्छे से मतलब कर लेना। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दिखाती मैं कैसे ले आई थी खाना, ये देखिए। तो बस यहाँ पे अब आ गई थी, और यहाँ पे देखिए खाना बच्चे लोग को भी दे चुकी थी। और वहाँ छत पे से आने के बाद ना सबसे पहले मैं इनके लिए एक थाली लगा के पूरा खाना का देखिए गैस के पास रख दी थी ढक के, और उसके बाद चलिए आप लोग को लगाती हूँ खाना। इन शिवांश प्रिंसी को भी दे दी थी, उन लोग को सबसे ज़्यादा ना बच्चे हैं ना गुलगुला मेरे बच्चे पसंद करते हैं, शिवांश को भी पसंद है, प्रिंसी को भी पसंद है गुलगुला। तो बस यहाँ पे देखिए सारा खाना निकाल दे रही हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग भी आइए जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी खाना बना है। कढ़ी भी बहुत ही चटपटी बनी थी, मतलब प्रिंसी बता रही थी, अभी मैं नहीं खाई हूँ, क्योंकि मेरा ना बनाते ही बनाते पेट भर गया था, मन भी भर जाता है पेट भी, क्योंकि जब तेल वाला चीज़ अगर बनाते रहो ना तो बनाते ही बनाते ना इतना मन भर जाता है, फिर वो दोबारा जैसे ये होता है कि अभी इसे देखो नहीं 2-4 घंटा, उसके बाद फिर बाद में भले खाने का मन करता है। तो बस चलिए ले लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए खाना। कढ़ी है, आलू टमाटर की सब्जी है, मटर चावल, और ये उड़दी की दाल की कचौड़ी है, पूरी पकौड़ी बड़ा गुलगुला। तो ले लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, एक थाली आप लोग के लिए भी लगा दी हूँ।
और अभी तो काम बहुत है। अभी थोड़ा अभी तुम 11 बज रहा है, सोचो कि एक टाइम बीजे आने के 12 बजे के बाद 12:30 बजे 1 बजे करीब चलूंगी, मंदिर साफ करूंगी, कपड़ा लगाती हूँ वॉशिंग मशीन में, और करीब सुबह 5 ही बजे से उठी हूँ, तभी से लगी हूँ। तो चलिए अब आज तो बड़ी मेहनत रहेगी, चलिए मैं चल रही मम्मी को खाना देने। तो बस वहाँ पे मम्मी को खाना दे के और फिर आधा घंटा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि मुझे भी अपनी वीडियो का एडिट एडिट करना था, एडिट क्या वीडियो तो रात में ही अपलोड कर दी थी, उसका जो थंबनेल टाइटल ये सब भी करना रहता था, मैं कही चलो इसे पहले कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खाली हो गई थी 11 बजे करिए, तो आधा घंटा मुझे ये सब लगा था करने में, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जितना मतलब सुबह तक का वीडियो बनाई थी उतना वो भी एडिट कर ली थी, क्योंकि देखिए आज मेरे पास ना समय मेरे पास बिल्कुल भी, और आप लोग को पता इस समय मैं करीब 11 या 11:30 बज रहा होगा, मैं वॉइस कर रही हूँ अभी, मतलब बचा हुआ वीडियो अभी एडिट करी फिर वॉइस कर रही, और सच में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, उसे एडिट करना सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लगी हूँ कि कहीं ना कहीं शायद कभी कुछ तरक्की मिल ही जाएगी। तो बस चलिए यहाँ पे उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी मंदिर में, और पहले ना मंदिर में जितना भी जो डब्बा उब्बा था सारा उसे खाली करके दे दी थी मम्मी को, तो उसे मम्मी कर रही थी साफ, तब तक यहाँ पर मैं पूरा मंदिर अच्छे से, और सच में ना मंदिर मेरी बहुत ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि देखिए 2-2.5 महीने से ना करीब क्या 3 महीने हो गए होंगे मुझे मंदिर साफ करें, जब से मेरे हाथ में मैं मेरे ख्याल से हरिद्वार जा रही थी, यानी कि आप मान लो कि मैं अप्रैल में ही शायद मंदिर साफ करी थी, उसके बाद से फिर मैं मंदिर साफ ही नहीं कर पाई थी, और बहुत ज़्यादा मंदिर गंदी थी, और फिर बीच में सोची भी थी लेकिन उस समय मेरे हाथ में चोट लग गई, तो जिस वजह से मैं मंदिर नहीं साफ कर सकी थी, तो मैं कही चलो आज अब नवरात्र तो आ ही रहा है, मैं कहीं मंदिर भी साफ हो जाएगी, तो बस यहाँ पर सारा फोटो वोटो ना जो भगवान जी की फोटो थी ना दिया जलाते जलाते थोड़ा बहुत देखिए काला हो ही जाता है, तो मैं ना एक हमेशा साफ स्क्रब रखे रहती हूँ, तो स्क्रब से हल्का मतलब गीला नहीं करती, बस साबुन से पूरा छुड़ा के और फिर एक गीले कपड़े से पोंछ के फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे प्रिंसी बैठी है, तो क्योंकि मेरे से देखिए मैं पोंछ नहीं पा रही थी, तो प्रिंसी बैठी थी, तो कही प्रिंसी तुम पोंछे जाओ खूब अच्छे से और ताकि सारा सूख जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मंदिर साफ हो गई थी, यहाँ पे लगा दे रही हूँ भगवान जी के लिए आसन, और अभी देवी मालों के लिए चुनरी, अभी मुझे मार्केट भी जाना है पूरा पूजा का सामान ले आने। सच में ना सुबह से 5 बजे उठ गई हूँ लेकिन अभी 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली कि 1 मिनट की मुझे फुर्सत मिली हो, पूरा घर के ही काम में दिन निकल जाता है। तो बस यहाँ पे फोटो वोटो सब अच्छे से सूख गया था, हम कही चलो इसे सब लगा देती हूँ अच्छे से, जो भगवान जी थे सबको मैं उनके स्थान पे बैठा के, और उसके बाद अभी यहाँ का जो बल्ब था तो मैं पीछे से प्लग निकाल दी, क्योंकि इसका ना जो मंदिर का जो बल्ब लगा है उसका अलग से प्लग लगा हुआ है, डायरेक्ट बोर्ड में नहीं है, तो उसे मैं हमेशा निकाल के ही मंदिर का काम करती, क्योंकि एक बार इतना हम लोग डर चुके हैं ना, अब कोई भी काम करने से पहले सोचती हूँ, तो बस उसे मैं निकाल दी थी, और जो मंदिर का बल्ब है ना एकदम काला हो चुका था, मतलब बिल्कुल उसका ना उजाला मंदिर में जैसे ये होता था कि हाँ बल्ब लगा है लेकिन उसका उजाला बिल्कुल भी नहीं पता चलता था मंदिर में, तो बल्ब में अच्छे से साफ कर दी थी, मतलब हल्का सा जैसे क्या होता ना कि साबुन के पानी से साफ करके और फिर एक सूखे कपड़े से तुरंत ही पोंछ दी थी, तो बल्ब सबसे पहले करके रख दी ताकि उसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। और बस यहाँ पे देखिए सब चीज़ अच्छे से करने के बाद, और यहाँ पे मैं देखिए बल्ब फिर से एक बार पीछे देख रही थी कि उसका प्लग निकला है कि नहीं, और अब देखिए पूरे मंदिर में उजाला कितने अच्छे से हो गया, सच में ना बल्ब बहुत ज़्यादा काला हुआ था। और उसके बाद फिर ये आ गई टेबल की बारी, अब टेबल को भी मैं अच्छे से स्क्रब से साफ कर लूँ, क्योंकि कल मैं अपनी देवी मैया को इसी पे स्थापित करूँगी या तो बिठाऊँगी आसन लगा के, तो बस इसे भी पूरा अच्छे से चारों तरफ से साफ कर ली थी, इसमें भी क्योंकि रखे रखे ना देखिए जाला अगर कहीं भी अगर अच्छे से ना ध्यान दोगे तो थोड़ा बहुत जाला तो लग ही जाता है, और इसमें ना इतनी दरारें हैं नीचे की तरफ ना कि बहुत ज़्यादा जैसे जाला लग जाता है, तो बस पूरा मैं चारों तरफ इसे अच्छे से पोंछ ली थी, और प्रिंसी देखिए मेरी बहुत मदद कर, क्योंकि देखिए अभी मैं कपड़ा उपड़ा बिल्कुल भी नहीं निचोड़ पाती हूँ, तो ये सब सारा काम ना प्रिंसी मेरी हेल्प कर देती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा के और यहाँ पे मैं पोछा करके और फिर वहाँ पे टेबल कर दी थी, और ये देखिए आज मेरी मंदिर, देखिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, बिल्कुल भी मत भूलना कि मेरी मंदिर आप लोग को कैसी लगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करी, मैं अपनी मंदिर को ना पता नहीं क्यों बस मैं अपने हाथ से परेशान थी, नहीं तो मैं मंदिर अपनी कब की साफ करी होती। बस यहाँ पे देखिए, और उसके बाद फिर करीब 3-4 बजे मैं मिल रही हूँ आप लोग से,
तो बस यहाँ पे मम्मी की आज के दिन क्या होता है ना कि हम लोग बाल बुल बना के सिंदूर लगाते हैं, या जो इंगूर सिंदूर इंगूर जो भी को लगाते हैं सब लगा के, मैं तो इंगूर ही लगाती हूँ, सिंदूर मैं नहीं लगाती हूँ। और आज जैसे कलर पैर में रंग लगाती हूँ, मम्मी मेरे से कब से कह के रहे अब रंग उंग लगा लो उनको सबको विदा कर दो, मतलब ये होता है कि नहीं कि चलो अब रंग उंग लगा लेंगे तो सब विदा हो जाते हैं जैसा मम्मी लोग कहती हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी रंग लगा ली थी और काम तो हो गया था, झाड़ू भी हो गया था, बर्तन भी हो गया था, तो बस यहाँ पे मैं रंग लगा ली थी। और यहाँ पे देखिए शाम की चाय भी मैं बना ली थी और अपनी चाय लेके बैठी हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट क्योंकि मुझे लेना है पूजा का सामान और थोड़ा बहुत मुझे ब्लाउज का लेस वेस लेना है क्योंकि मुझे कुछ ब्लाउज सिलने उसके लेस और धागा उगा नहीं थे, तो आज ये आ गए थे ना क्योंकि ये भी 12-1 बजे तक आ गए थे, तो मैं कही चलो आप हो तो मैं भी साथ में चलती हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा और पूजा का सामान भी मैं सारा लेते आऊँगी। तो बस पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी मार्केट। तो बस यहाँ पे देखिए आ गई थी मार्केट, बस मार्केट से आने के बाद अब फिर से देखिए मैं लग गई काम में क्योंकि आधा एक घंटा ना तो पूरा पूजा का सामान जो था वही रखने और संभालने में चला जाता है। और सच पूछो ना बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। कल भी उठूँ, कल तो और जल्दी उठूँ, कल करीब मैं 4-1 बजे करीब उठ जाऊँगी क्योंकि अगर मैं इतनी जल्दी नहीं उठूँगी तो ना क्या कि प्रिंसी की स्कूल भी है इसी में, तो प्रिंसी को भी टिफ़िन उफिन बनाना रहेगा, टिफ़िन तो नहीं हाँ फिर भी नाश्ता वास्ता बनाना है। और जितनी जल्दी मैं यहाँ पे कर लूँगी तो उतनी जल्दी मम्मी भी चली जाती हैं देवी मैया के पास यानी कि चौरा माई पे शीतला माँ पे। तो बस यहाँ पे देखिए जितना भी सामान सब सुबह में खाली करी थी दोपहर में, तो कुछ वो सामान और कुछ जो अभी ले आई थी सारा सामान। और आप लोग को पता है मेरे मंदिर में 600 से 700 रुपया निकला था जो कि मैं डेली, मेरी आदत है कि मैं 10-20 जो भी मेरे पास रहता है मैं डेली मंदिर में रखे जाती हूँ। और इस वजह से क्या होता है कि मुझे अखरता नहीं है सामान मंगाना, और ये दूसरी बार मैं सामान मंगा रही हूँ मंदिर के ही पैसे से और बिल्कुल भी नहीं अखरता है। और सच में देखिए मेरी मंदिर ना बहुत 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 सुंदर लग रही, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही, लेकिन आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसी लग रही है मंदिर। और कल तो मैं कान्हा जी को भी अपने एकदम नया नया ड्रेस पहनाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए सारा सामान अच्छे से रख ली थी डब्बा में, तो उसके बाद बस जो मुझे डेली पूजा करने में यूज करना है तो उसे मैं एक तरफ रखूँगी, जो नहीं यूज करना है उसे एक तरफ रखूँगी, और जो अलग से जो बाती बनाई हुई या जो भी है छोटा मोटा सामान हर एक चीज़ सोच समझ के रखना पड़ता है। और साथ ही चलिए दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोग ज़रूर बताना कि आज की वीडियो मेरी कैसी लगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। और जो लोग नए होंगे वो भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग से मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।